गीगाजेट एआई सॉफ्टवेयर की मूल कंपनी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, सबर बैंक, ठीक है ना। रूस ने मई 2023 में अपना एआई चैट बॉट गीगाजेट पेश किया है। रूस ने सबसे पहले बैंकिंग संस्थान सबर बैंक ने देश के पहले चैट जीपीटी प्रतियोगी गीगाजेट को रिलीज और परीक्षण चरण की घोषणा की है। सबर बैंक का दावा है कि गीगाजेट का नवीनतम अन्य विदेशी तंत्र का नेटवर्क की तुलना में रूसी में अधिक समझदारी से संवाद करने की क्षमता है। यह सवालों के जवाब देने, बातचीत करने और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक प्रोग्राम कोड लिखने में सक्षम है। गीगाजेट दूसरा एआई चैटबॉट है सबर बैंक के अनुसार। जो इसे अलग करता है वह चैट जीपीटी के विपरीत टेक्स्ट और इमेज दोनों उत्पन्न करने की एआई टूल की क्षमता है, जो केवल टेक्स्ट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। मॉस्को स्थित आईटी कंपनी सिस्टेमा ने अपनी स्वयं चैट जीपीटी प्रतियोगिता सिस्टेमा जीटीपी यानी गीगाजेट से पहले बनाया गया के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, माइकल डगलस, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ये है माइकल डगलस, ठीक है ना। माइकल डगलस कान फ्रांस में मानक पाल्मे डी और प्राप्त करेंगे। दिग्गज हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को 76वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में मानक पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। समारोह के आयोजकों ने एक बयान में कहा है कि डगलस को उनके शानदार करियर के साथ साथ सिनेमा में उनके योगदान के लिए पहचाना जाएगा। उत्सव 16 मई 2023 को उद्घाटन समारोह के दौरान अभिनेता को श्रद्धांजलि देगा। डगलस को श्रद्धांजलि पूरी करने के लिए माइकल डगलस द प्रोडिगल सन नामक एक पूर्व रिलीज वृत्तचित्र 14 मई से 16 मई दो दिनों के लिए उत्सव स्थल पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने फोर्ड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। ये हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2023 में फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। यह सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार चाहता है। फूड स्ट्रीट को चालू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रति फूड स्ट्रीट 1 करोड़ रुपए की सहायता देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और स्वच्छ खाद्य सड़कों को विकसित करने के उद्देश्य से फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। पहल आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के साथ अभिसरण में NHM के माध्यम कार्यान्वित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फूड स्ट्रीट हब के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रोटोकॉल में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण मई 2023 में इस राज्य में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, मध्य प्रदेश। ये है मैप में मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश 2000 साल पुराने जलाशयों का पता लगाया है। पुरातत्विक विधों में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 1800 से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है। बांधवगढ़ की ताला रेंज में अन्वेषण में दूसरे चरण के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई 11 गुफाएं सामने आई हैं। सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और 30 जून 2023 तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व लगभग 1500 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग मिली है। पिछले साल ASI ने उसी स्थान पर 26 मंदिरों, 26 रॉक कट गुफाओं, 2 मठों, 2 स्पूतों, 24 शिलालेखों तथा 46 मूर्तियों और 20 बिखरे अवशेषों और 19 जल संरचनाओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो थे भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, बी ऑप्शन राइट होगा। ज्ञानी जेल सिंह की जयंती 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 मई को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती मनाई जाती है। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की राष्ट्रपति शपथ लेने वाले एकमात्र सिख राजनेता के रूप में याद किया जाता है। 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है। 1972 में जेल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। उन्हें 1980 में गृह मंत्रालय में तत्कालीन
पीएम इंदिरा गांधी के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, बैक मैरी को एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वागत गुप्ता, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, ये है स्वागत गुप्ता जी। मैरिको ने 2 साल की अवधि के लिए स्वागत गुप्ता को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। मैरिको ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए स्वागत गुप्ता को प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह 2004 में मार्केटिंग प्रमुख के रूप में मैरिको में शामिल और 2007 में भारतीय व्यापार के सीईओ के रूप में पदोन्नत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित 2023 में बैलिस्टिक डे परेड में मानवीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जुलाई 2024 को बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन को के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। परेड में फ्रांसीसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल होगी। उनकी यात्रा फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक संबंध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे समय में बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त पहल करने की भी अनुमति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने विदेश मंत्री कितने वर्षों के अंतराल के बाद SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 वर्षों में, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री SCO समिट 2023 के लिए गोवा पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावन भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे। यह उन्हें लगभग 12 वर्षों के बाद भारत करने का दौरा पाकिस्तान का पहला वरिष्ठ नेता बनाता है। आखिरी बार जब ऐसी यात्रा 2011 में हुई थी जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। मई 2014 में पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भी भारत का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौवा क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या रही है। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस एक साथ कार्रवाई में तेजी लाए, जीवन बचाओ, अपने हाथ साफ करो है। ठीक है ना, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल का मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य संक्रमण के प्रसार को रोकने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हाथ की स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना है। विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस की इतिहास वर्ष 2009 में देखा जा सकता है जब WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार वैश्विक रोगी सुरक्षा चुनौती शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, कृष्णा भट्ट को नियुक्त किया गया। कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रशासक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी कृष्ण भट्ट को निकाय के चुनाव कराने के लिए तत्काल प्रभाव से बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक तब तक कार्य करेगा जब तक कि नवनिर्वाचित निकाय यानी BFI का कार्यभार नहीं संभाल लेता। प्रशासक यह तय करेगा कि वर्तमान रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव करना जारी रखना चाहिए या नहीं। अदालत के केंद्र और BFI के इस आदेश को अनुपालन सुनिश्चित कराने और प्रशासक को सभी सहायता और सहयोग देने को कहा है। अदालत ने कहा कि सभी राष्ट्रीय खेल संघों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने और वर्तमान मामले में स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी नियमों द्वारा संचालित होने चाहिए। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें वो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज Critical Study 31 व हमारे यूट्यूब चैनल Critical Study को ज़रूर फॉलो कीजिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।